हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स आप सभी का फ्यूचर टाइम्स के यूट्यूब पे बहुत बहुत स्वागत है सो so, कैसे हैं आप सब लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो so, आज की इस वीडियो में जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं कुछ 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 शॉर्ट वीडियोस आपके फॉर्म में आपका आर आर सी ग्रुप डी के आने वाले शिफ्ट में जो सेप्टेम्बर में एग्जाम आपका हो रहा है उसमें और साथ में दिल्ली पुलिस और एस एस के एग्जाम में और साथ में स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें बहुत ही यूजफुल होने वाली है ये राइट तो आप सब जानते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको आपने नाम सुना होगा पीरियोडिक टेबल है ना नाम क्या आप पढ़े भी होंगे स्कूल में पीरियोडिक टेबल के बारे में तो पीरियोडिक टेबल को कुछ शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे याद करवाने वाली हालांकि मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पहले से अपलोड भी हो रखी हैं लेकिन आज जो कि आर ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं पीरियोडिक टेबल के डोबेराइनर लो से जब बात करते हैं आज की वीडियो में तो आपको मिलने वाला है डोबेराइनर लेकिन इस पीटी को बनाने के पीछे का कुछ इतिहास है और इसी इतिहास से बहुत सारे अक्सर क्वेश्चन उठाते हैं जैसे इस पीरियडिक टेबल को बनाने के लिए यहाँ पर कोशिश की थी किसने तो डॉबराइनर जी ने 1829, 1829 में डोबराइनर जी ने सबसे पहले प्रपोज किया था लॉ ऑफ ट्राइड्स। लॉ ऑफ ट्राइड्स का मतलब होता है जैसे दो को बोलते हैं डबल वैसे तीन को बोलते हैं ट्राइड वन टू ऐसे तीन का आपने एक जोड़ा बना दिया तीन को एक साथ ले आए तो उसको ट्राइड्स कहेंगे दो को डबल कहते हैं जैसे इसे हिंदी में कहते हैं त्रिक सिद्धांत तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया है त्रिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रपोज किया गया था वो तो किया गया था डोबेराइनर जी के द्वारा 1829 में और क्या कहता है ये लॉ ऑफ ट्राइड्स इन्होंने कहा कि मैं इस तरीके से एक पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करूंगा

तो इनके सिद्धांत का नाम इसीलिए लॉ ऑफ ट्राइड्स या त्रिक सिद्धांत इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स को एक साथ रखा और इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि मैं इस तरीके से एक पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा जिसमें मैंने तीन तीन एलिमेंट्स को रखा सपोज करो ए बी सी इन तीन नाम के एलिमेंट्स को मैंने एक साथ रखा अब जब कभी भी आप इन तीनों में से जो बीच वाला एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास इसका परमाणु भार आप निकालने की कोशिश करोगे तो पहले और दूसरे की एटॉमिक मास को जोड़ दोगे और दो से डिवाइड कर दोगे मतलब कहने का मतलब पहले और तीसरे का एवरेज कर लोगे क्या कहा एक बार फिर से सुनो इन्होंने कहा कि तीन तीन एलिमेंट का मैं इस तरीके से तीन बॉक्स बना दिए मैंने और इनमें से पहला एलिमेंट ये रहा ए नाम का दूसरा बी और तीसरा सी नाम का जब आप बी नाम के मतलब बीच वाले सेंटर वाले एलिमेंट का जब आप अटोमिक मास निकालोगे मास परमाणु परमाणु क्या करना है पहले और, कर और जोड़कर जोड़ उसको डिवाइड कर देना है दो से उन दोनों का औसत निकल के आ जाएगा और वही जो बीच वाला सेंटर वाला एलिमेंट है उसका अटोमिक मास होगा यानी उसका परमाणु भार होगा तो इस तरीके से मैं तीन तीन ट्रायड बनाऊंगा तो आपके लिए जो से उस पर स्टडी करना आसान हो जाएगा और इस तरीके से तीन तीन एलिमेंट्स को रखते जाएंगे और पीरियोडिक टेबल बनता जाएगा ये 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 किसने कहा कहा ने लेकिन का जो लॉ ऑफ ट्राइड्स था ये फेल हो चुका था क्यों हो चुका था अभी हम हाँ इस इसमें बात करने वाले हैं पहले आपको ये समझ में आ गया होगा शायद कि इनकी लॉ ऑफ ट्राइड का मीनिंग क्या था और क्यों ऐसा करने की इन्होंने कोशिश की देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने कहा कि पहला ट्रायड बनाया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है इन्होंने पहला ट्रायड बनाया लिथियम सोडियम पोटेशियम का लिथियम सोडियम पोटेशियम और इस तरीके से रखा लिथियम सोडियम पोटेशियम अब आपको यहां से सोडियम का एटॉमिक मास निकालना है सोडियम का परमाणु भार निकालना है तो आप क्या करोगे यहां से सोडियम का निकालने के लिए लिथियम और पोटेशियम का प्लस कर दोगे और दो से डिवाइड कर दोगे तो सोडियम का निकल के आ जाएगा और यही क्या कहलाता है लॉ ऑफ ट्राइड्स या डोबेनायरस लॉ कहलाता है डोबेनायर का त्रिक सिद्धांत कहलाता है जैसे लिथियम का साथ है पोटेशियम थर्टी नाइन है दोनों को प्लस करो प्लस करके दो से डिवाइड कर दो तो सोडियम का निकल के आ जाएगा ट्वेंटी थ्री तो बच्चा जो पहला ट्रायड था डॉबे जी का वो लीथियम सोडियम पोटेशियम का था जो सक्सेसफुल ट्रायड था क्योंकि आप जानते हैं सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है सोडियम का परमाणु भार 23 rmu होता है है ना तो ये बिल्कुल सक्सेसफुल था तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कौन-कौन से एलिमेंट को ट्राइड में रखा गया किसको नहीं रखा गया फॉर एग्जांपल लिथियम सोडियम सीजियम दे दिया तो सीजियम तो नहीं है ना यहाँ पे तो आपका गलत हो जाएगा किस-किस को रखा गया किस-किस को नहीं रखा गया कौन सा सक्सेसफुल ट्राइड था कौन सा अनसक्सेसफुल था जहां पे वो फेल हो गए थे फर्स्ट वन इज

जो कि लगभग हम 88 के बराबर ले लेते हैं है ना 88 होता है स्टोनसियम का तो ये भी सक्सेसफुल ट्रायड था कैल्सियम स्ट्रोंशियम बेरियम लिथियम सोडियम पोटेशियम ये दोनों ट्राइड सक्सेसफुल थे इनको हम बोलते हैं सक्सेसफुल ट्राइड लोगों को लगा अरे वाह बहुत अच्छा तरीका बताया है इस तरीके से हम तीन-तीन का ग्रुप बना के हम तो पूरा पीरियोडिक टेबल बना लेंगे लेकिन उसके बाद जब इन्होंने तीसरा ट्राइड बनाने की कोशिश की वो करी थी हैलोजन एलिमेंट्स की क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये हैलोजंस होते हैं इस ट्रायड को बनाने की जब कोशिश करी तो ये ऑलमोस्ट फेल हो चुके थे कैसे? इन्होंने कहा कि यहां से आप जब ब्रोमीन का निकालोगे तो कैल्सियम और आयोडीन का प्लस करके दो से डिवाइड कर देना और ब्रोमीन का जब निकालने की कोशिश करी तो ब्रोमीन का होता तो 80 है और यहां से निकल के आया इस ट्रायड रूल से 81.25 1.25 ज्यादा आ रहा था और आप जानते हैं 1.25 वैल्यू ज्यादा हो जाएगी अगर हम किसी भी फॉर्मूले में एटॉमिक मास रख दिए इसलिए ये ट्राइड यहां से फेल हो गया तो क्वेश्चन पूछेगा कौन-कौन से ट्राइड हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन पहले दो थे वो सक्सेसफुल थे इसको फेल मानते हैं और और ऐसा ही एक और ट्रायड था फोर्थ नंबर वाला सल्फर सेलेनियम टैलूरियम सल्फर सेलेनियम टैलोरियम ये भी फेल था आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं कि पहला ट्रायड ये डॉबेल एनर्जी का दूसरा ये तीसरा ये चौथा है तो डॉबेल एनर्जी के जो सिद्धांत है वो 1829 में दिया गया था और क्या कहा था तीन तीन एलिमेंट को इस तरीके से रखो कि बीच वाले एलिमेंट का अटोमिक मास परमाणु बाहर निकालो तो बाकी दो को प्लस करके और उसको दो से डिवाइड करके अटोमिक मास निकाल लो

और इसी से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो को शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में आपका पढ़ाने की कोशिश करी मुझे लगता है कि आपको ये लॉ ऑफ ट्राइड आज के बाद कभी भी आ, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं 11 सितंबर सुबह 10 बजे हमारे YouTube चैनल पर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है अगेन हम बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक नई उम्मीद बनने वाले हैं जैसे आज तक हम पिछले पांच साल से हमारा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है और लाखों बच्चों को हमने पढ़ाया है आज तक और ऐसे ही आगे हम पढ़ाते रहेंगे बच्चों को हर साल बहुत सारे बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़कर बहुत अलग अलग फील्ड में अपना बहुत बढ़िया तरीके से अपना परचम लहरा रहे हैं अगर आपको भी पढ़ना है इसी तरीके से सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है घर बैठकर ऑनलाइन शिक्षा के साथ तो आप फ्यूचर टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और 11 सितंबर सुबह दस बजे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आना है कि क्या नया अनाउंसमेंट है उसको जानने के लिए और यकीन मानिए जैसे हर बार हम आपके लिए कुछ बेहतर और बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं ठीक इस बार भी हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे आपके साथ ठीक है तो मिलते हैं ग्यारह सेप्टेंबर सुबह दस बजे का रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा इवेंट

Thank you so much. Have a nice day.